नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे में। परसों मैं घर से निकला तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। किसी ने मुझे बोला कि 5 मिनट रुक जाओ वरना अपशगुन होगा। मैं 5 मिनट रुका और उसी 5 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट छूट गई। कल मुझे एंकरिंग के लिए जाना था तो मेरी मम्मी ने मुझे इतनी ठंड में दही चीनी खिला दी, ये बोल के कि शुभ होगा। दही खाते ही मेरा गला खराब हो गया और मुझसे एंकरिंग का काम छीन लिया गया। ये सारे अंधविश्वास मैंने इसलिए फॉलो किए थे कि ताकि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तो अब मैं इन अंधविश्वास पे भरोसा करूं या ना करूं, यही सवाल है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है जिनके पास सारे अंधविश्वास का साइंटिफिक लॉजिक है। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये अंधविश्वास क्या है और इनकी शुरुआत कैसे हुई। तो कैसे हैं आप जी? ये बात मैं आपको 10 मिनट बाद बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक कुत्ती कमीनी काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। हालांकि मैं रेसिज्म में नहीं मानता, पर बिल्लियों के मैटर में काला गोरा करना पड़ता है। पर आप तो अंधविश्वास में भी नहीं मानते हैं, तो ये काली बिल्ली वाला क्या है जी? वैसे तो मैंने सारे अंधविश्वास क्रैक कर लिए कि ये साइंटिफिकली है, लेकिन ये बिल्ली वाला मुझसे आज तक क्रैक नहीं हुआ। आपके साथ कोई हादसा हुआ है क्या? बहुत बड़ी दुर्घटना हुई मेरे साथ। अच्छा जी, ये बहुत पुरानी नहीं कल की बात है, जब मैं घर से बहुत तेजी में भागता दौड़ता निकल रहा था। बीच रास्ते में काली कुत्ती कमीनी बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। मैं नहीं रुका, मैं भागता दौड़ता गया। दौड़ता दौड़ता एक सोते हुए कुत्ते के ऊपर चढ़ गया। कुत्ता उठा, वो मेरे पीछे दौड़ा और उसने मुझे भंभोड़ दिया। जैसे तैसे कुत्ते से बचकर मैं फिर भागा। भागते भागते जा रहा था, फिर उस काली कमीनी कुत्ती बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। इस बार मैं रुक गया। अच्छा। और फिर कुत्ते ने मुझे भंभोड़ दिया। है? लेकिन इस बार कुत्ता कहाँ है? वही कुत्ता मुझे फॉलो कर रहा था, पहला वाला। खैर, देखिए क्या है ना, इस काली बिल्ली के पीछे जो अंधविश्वास है इसका लॉजिक मुझे पता है, ये मैं आपको शो के एंड में बताऊंगा। खैर, बाकी अंधविश्वास के बारे में बात करते हैं। ये बताइए कि जो ट्रेवल के दौरान लोग गाड़ियों में बाइकों पे नींबू मिर्ची लटका लेते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, इसके पीछे आज का नहीं, पुराने जमाने का साइंटिफिकल लॉजिक है। पुराने जमाने में लोग जब ट्रेवल करते थे तो अपने साथ नींबू और मिर्ची रखा करते थे, ताकि रास्ते में कभी उनको कोई दिक्कत हो जाए तो नींबू निचोड़ के शरबत बनाकर पी लें। ओके। नींबू से एनर्जी मिलती है। जी, जी, जी। मिर्ची वो इसलिए रखा करते थे कि आज की तरह सड़कें नहीं, पुराने जंगल के रास्ते हुआ करते थे। हाँ। तो रास्ते में बहुत सांप वाप होते थे, तो सांप काट लेता था और मिर्ची से ये पता चल जाता था कि सांप जहरीला है या नहीं। मिर्ची से कैसे? तो जब सांप काट ले तो मिर्ची खा लेना चाहिए। अगर मिर्ची तीखी लगे तो सांप जहरीला नहीं है, और अगर तीखी ना लगे तो सांप जहरीला है। मतलब जैसे सांप ने काट लिया तो आदमी ने मिर्ची खाया, मिर्ची अगर तीखी ना लगे इसका मतलब सांप जहरीला था। जब सांप ने काट लिया तो अब आदमी क्या करे? फिर क्या करे, मरे साले। ऐसे जंगल भरे रास्तों से जाने की जरूरत ही क्या है। खैर, बात भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और अंधविश्वास है, लोग ना चलती ट्रेनों के बाहर से सिक्के फेंकते हैं नदियों में, जब पुल के ऊपर ट्रेन जाती है। तो ये सिक्के फेंकने के पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, ये पुराने जमाने में लोग सिक्के फेंका करते थे, क्योंकि तब सिक्के तांबे के होते थे और पानी को स्टोर करने के लिए बावड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ हाँ, बावड़ी पता है? जी जी, वो कुएं हुए जैसे होती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो पानी गंदा ना हो तो तांबे के सिक्के डाले जाते थे ताकि वो प्यूरिफाई हो, जैसे आजकल वो तांबे के ग्लास और ये सब है ना, लोटे वोटे होते हैं। ओके ओके ओके। और तांबा शुद्ध कर देता है। जी जी जी। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो तांबे की वजह से बहुत शुद्ध हैं। क्यों? उनके सरनेम है तांबे। अच्छा, खैर शुक्रिया, थैंक यू, आपने बता दिया। मैं भी सिक्के बड़े फेंकता था नदियों में, आज से बंद। नहीं नहीं नहीं, सारी नदियों में बंद नहीं करने चाहिए। प्रयागराज में एक नदी है, संगम कहते हैं उसे, वहां जरूर फेंकिए। अच्छा, क्योंकि वो पूजनीय है? नहीं नहीं नहीं, मेरे कुछ रिश्तेदार नदी में डुबकी मार के सिक्के निकालते हैं। अगर आपने सिक्के फेंकना बंद कर दिए तो उनकी तो रोजी रोटी चली जाएगी। मेरे चाचा बाइक खरीदना चाहते हैं, अगर आपने सिक्के फेंकना बंद कर दिए तो बेचारे बाइक कहां से खरीदेंगे। संगम में फेंकिए। अच्छा सर, ये जो अंधविश्वास है हम जिस पे बात कर रहे हैं, ये बताइए कि इसको फैलाने के पीछे का कारण क्या था? देखिए, पुराने जमाने में जो लोग अनपढ़ होते थे उन्हें बात आसानी से समझ में नहीं आती थी,
इसलिए उनके मन में भूत प्रेत चुड़ैल और इस तरह की बातें फैलाकर बातें समझाई जाती, डर का माहौल बना। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब जैसे एक पुराने जमाने का अंधविश्वास था कि घर में टूटे शीशे नहीं रखते वरना चुड़ैल चिपक जाती है, वो इसलिए किया गया था क्योंकि पुराने जमाने में शीशे बहुत महंगे होते थे, बहुत कीमती होते थे, तो उन्हें संभाल कर रखा जाए ताकि वो टूटे ना। हालांकि विडंबना देखिए कि आज के जमाने में शीशे के सामने दिन भर चुड़ैलें चिपकी रहती हैं, मेकअप करती रहती हैं। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे उनको लड़कियां बोलते हैं। नहीं नहीं वो लड़कियां हैं बेटे, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। जब शादी हो जाएगी तो लड़कियां लड़कियां और अपनी बीवी चुड़ैल ही लगेगी। अच्छा खैर ये बताइए, जैसे ये आपने चुड़ैल उड़ैल ये भूत प्रेत की बात की, तो एक अंधविश्वास ये भी है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, घर में चमगादड़ आ जाए तो पक्का किसी की मौत हो जाती है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? देखिए इसके पीछे बहुत सिंपल सा वैज्ञानिक लॉजिक है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके। अगर आप उनके नीचे सोएंगे तो आदमी का दम घुट सकता है। हाँ। क्योंकि आदमी को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, और चमगादड़ जो होता है वो बहुत सारे वायरस का सोर्स होता है। अगर आपको पता होगा तो कोरोना भी चमगादड़ से ही आया। हाँ करेक्ट। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर चमगादड़ से नुकसान होता तो मेरे घर में भी 3 दिन से चमगादड़ घूम रहा है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। नहीं बेटे तुम्हें कुछ होगा भी नहीं। क्यों? तुम खुद चमगादड़ हो, तुम्हारे कान छोटे हैं। चमगादड़ से हम इंसानों को खतरा है, तुम चमगादड़ों को क्या खतरा? और कमाल की बात है तुम तो सफेद चमगादड़ हो। आगे बढ़ते हैं, मेरी बेइज्जती मत करिए। अच्छा तो मतलब कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि अंधविश्वास जो फैलाया जाता है उसका बेस होता है डर, डर की वजह से। कुछ डर और कुछ लालच की वजह से। लालच कैसे? अब जैसे कहते हैं ना कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लक्ष्मी चली जाती है। हाँ। अरे कमाल की बात है, कल मैं पिटा भी हूँ। कल रात में झाड़ू लगा रहा था, मम्मी ने झाड़ू लेके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा किया। क्यों? एटलीस्ट कचरा तो घर से बाहर निकला। लॉजिक बताओ आप। लॉजिक ये है कि पुराने जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो रात में अगर झाड़ू लगाएंगे और घर की कोई कीमती चीज झाड़ू के साथ बाहर चली गई तो गई ना लक्ष्मी घर से बाहर। अरे हाँ यार, क्योंकि पहले लाइट्स वाइट्स नहीं होती थी ना। ओके कमाल है यार, तो मतलब आप तो शाम को झाड़ू लगा लेते हो? नहीं मैं नहीं। है इतना लॉजिक देने के बाद आप खुद नहीं लगा रहे हो? अच्छा सुबह लगा लेते हो? नहीं मैं सुबह भी नहीं लगाता। झाड़ू लगाते ही नहीं हो? जी बिल्कुल नहीं। इतने गंदे आदमी हो यार, इतनी गंदगी में रह कैसे लेते हो? मैं गंदा नहीं, तुम्हारी सोच गंदी है। मेरे घर झाड़ू लगाने के लिए बाई आती है, जब वो है तो मैं क्यों लगाऊं? ओके तो कुल मिला के अभी तक जो मैंने जाना वो ये कि कुछ अंधविश्वास डर की वजह से फैलाए गए, कुछ अंधविश्वास जो है वो लालच की वजह से फैलाए गए। और भी कोई बेस है क्या? जी एक और बेस है, सेहत। कुछ अंधविश्वास इसलिए भी फैलाए गए ताकि सेहत ठीक रहे। जैसे एक अंधविश्वास है कि औरतों को पीरियड्स के टाइम पे किचन या मंदिर से जुड़े काम नहीं करना चाहिए। ये तो मेरे को पता है, क्योंकि उस टाइम औरतें जो है वो इन्फेक्टेड होती हैं और जर्म्स ना फैले इस चक्कर में ना। बेटा मार खाए तुम्हें कितने दिन हो गए? क्यों? अगर तुम्हें सही समय पर चाटा पड़ गया होता तो तुम आज इस तरह की बेहुदा बात नहीं करते। इन्फेक्टेड नहीं होती है वो, उस समय उनका शारीरिक और मानसिक स्तर काम करने लायक नहीं होता है। पुराने समय के मंदिर जो होते थे वो स्टेप वाइज होते थे, सीढ़ियाँ होती थी। पुराने समय में रसोई के जो काम होते थे, चक्की चलाना मथना, ये सब शारीरिक श्रम होता था। पीरियड्स के टाइम पे औरतें शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशान रहती हैं, थोड़ी विचलित रहती हैं। ओके लेकिन ऐसा थोड़ी है, मैंने बहुत सारे एड्स में देखा है कि पीरियड्स के दौरान लड़कियां उछल रही हैं कूद रही हैं, वो क्या है फिर? एड्स में बेटे जो दिखाते हैं वो सच नहीं होता। एड्स तो पैसे के लिए बनाए जाते हैं और पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं। हमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन वो स्मृति ईरानी, अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज चली थी कि जो पीरियड्स लीव होती हैं वो उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि पीरियड्स में घर बैठ के करोगी क्या, जाओ काम करो, ये क्या है फिर? देखिए इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि औरत ही औरत की दुश्मन है, और ऐसी औरतों के पीरियड्स नहीं उनकी तो क्लास लगनी चाहिए। सही है। तो ये जो पीरियड्स का जो अंधविश्वास है ये रिलेटेड टू हेल्थ है ना? ऐसे हेल्थ से रिलेटेड और भी अंधविश्वास है क्या? अनगिनत अंधविश्वास है। जैसे कहा जाता है कि जब भी आरती लें तो इस तरीके से लें। आरती का जो दीपक होता है, घी और रुई के कॉम्बिनेशन से जो गैस पैदा होती है
वो कैंसर के कीटाणु मारने में मददगार होती है। अरे वाह। इसके अलावा अंधविश्वास है कि तुलसी का पत्ता हमेशा निगलना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए। करेक्ट। क्योंकि तुलसी के पत्ते में मर्क्यूरी होती है जिससे दांत पीले होते हैं। एक और अंधविश्वास है कि जब भी सोए तो बाएं करवट सोए वरना डरावने और बुरे सपने आते हैं। उसका कारण यह है कि दिल बाएं तरफ होता है। अगर आप बाएं करवट सोएंगे तो दिल को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। ओके, मतलब सोना चाहिए हमेशा दिल की ओर करके जी ना? हाँ, जी हाँ जी। तो ऐसे हेल्थ से रिलेटेड और भी अंधविश्वास है बहुत, इस पे तो किताब लिखी जा सकती है। अच्छा, लेकिन कुछ अंधविश्वास ऐसे भी हैं जो मुझे पर्सनली बड़े इलॉजिकल टाइप के लगते हैं, जैसे कि चप्पल को उल्टा मत रखो, जूता अगर उल्टा उसे तुरंत सीधा कर दो, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये प्रॉब्लम साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। अगर घर में कोई भी चीज उल्टी पुल्टी या तितर बितर करके रखी जाती है तो आदमी डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है। आप चप्पल तो छोड़िए, मेरा कोई सामान उल्टा पुल्टा रख के देखिए, मैं आदमी को ही उल्टा पुल्टा कर दूंगा। करेक्ट बोल रहे हैं आप। कल शाम को क्या हुआ, चप्पल उल्टी रखी हुई थी, मम्मी ने वही चप्पल उठा के मेरे पीठ पर 10 चप्पल बजाई। देखा हुई ना आपकी मम्मी चप्पल देख के डिस्टर्ब? वो चप्पल देख के डिस्टर्ब नहीं हुई, वो स्मेल से डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि चप्पल पे ना गोबर लगी हुई थी। और पिटते पिटते मैं ये भी नहीं बता पाया कि मम्मी वो आप ही की चप्पल है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि एक और अंधविश्वास ये है कि शगुन के लिफाफे में हमेशा एक का सिक्का चिपका के दो, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे तो बहुत गहरा विज्ञान है, या ये कहें कि बहुत गहरा गणित है। शून्य हमेशा अंत को दिखाता है और एक शुरुआत को। अगर हम किसी भी शगुन के लिफाफे में एक का सिक्का जोड़कर देते हैं तो वो उस रिश्ते की नई शुरुआत को बताता है। तभी हमारे यहाँ के लोग शगुन के लिफाफे से 1 रुपए निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि उनको उस रिश्ते की कीमत ही नहीं पता। वाह, वो कदर ही नहीं करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आपने। खैर सर, आपने इतने सारे जो अंधविश्वास के बारे में बताया, और भी ऐसे कोई अंधविश्वास है उसके बारे में बताइए ना। बहुत अंधविश्वास है, जैसे माथे पे तिलक लगाना, शिखा रखना, कमर के ऊपर सोने के आभूषण, कमर के नीचे चांदी के आभूषण, जनेऊ पहनना, ऐसे हजारों हैं। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, तब मैं आपको बताऊंगा कि इनके पीछे का क्या विज्ञान है, क्या तथ्य है। करेक्ट सर, ये आपने ना मेरा वाला काम कर दिया, वेरी गुड। मतलब आप अगले एपिसोड में इन सब के बारे में बताएंगे अगर आप जानना चाहेंगे तो? अरे बिल्कुल यार, ऑडियंस से प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे इस वीडियो के नीचे पक्का कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वरना इतने सारे अंधविश्वास जो है छूट जाएंगे, क्योंकि मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की। पहली बात तो इसे अंधविश्वास नहीं कहना चाहिए, ये सब वैज्ञानिक तथ्य है। अच्छा जी सर, फाइनली ये बताइए कि क्या इन सब अंधविश्वास को बंद हो जाना चाहिए? सबसे पहले तो इन्हें अंधविश्वास कहना बंद होना चाहिए, क्योंकि ये अंधविश्वास नहीं, एक वैज्ञानिक प्रमाणित तकनीक है। ओके। अब मैं बताता हूं कि अंधविश्वास क्या होता है। किसी औरत को चुड़ैल समझकर जला देना अंधविश्वास है। इंडिया के मैच हार जाने पे प्रधानमंत्री को गाली देना अंधविश्वास है। लड़कियां पढ़ जाएंगी तो समाज खराब हो जाएगा, ये सोच लेना अंधविश्वास है। मर्द को दर्द नहीं होता, ये मान लेना अंधविश्वास है। मालदीव के बीचेस भारत के बीचेस से ज्यादा बेहतरीन है, ये सोच लेना अंधविश्वास है। और अगर इस देश को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो अंधविश्वास नहीं, आत्मविश्वास से बढ़ना होगा। क्या बात कहिए सर, क्या बात कहिए सर। सर आप ना बहुत खुशकिस्मत है सर, क्योंकि हमारा एक और एंकर है, अगर वो होता ना तो इस बात पे आपका मुंह चूम लेता, मैं चुमवा भी लेता। हेलो, हाँ मैं दही ला रहा हूँ जानू। नहीं मैं दही लेने ही गया हूँ। हाँ मैं दही लेने आया हूँ जानू, दही लेकर ही आ रहा हूँ। तब बिग बेंच पे तुमने कहाँ देखा? इसकी रीच इतनी ज्यादा हो गई है क्या, हर कोई देख रहा है, बहुत फैल गई है। मैं आ रहा हूँ बाबू, जानू स्वीटी लव यू। देखा, ये बिल्ली वाला टोटका हमेशा काम करता है। सवेरे घर से निकला था, बिल्ली ने रास्ता काटा, अब बीवी काटेगी, बाय। अरे अरे, लेकिन लॉजिक तो सुनते जाओ। अरे सर, खैर ये बिल्ली वाला जो टोटका है इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। दरअसल पहले के जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी, लोग घोड़ा गाड़ी पे चलते थे, और जब भी पुराने जमाने में कोई भी बिल्ली या काली बिल्ली रास्ता काटती थी तो उसकी आंखें चमकती थी रात को, और वो घोड़ा उसे शेर या गीदड़ समझ के रुक जाता था, और जो घोड़ा चलाता था वो भी रुक जाता था ये सोच के कि शायद उस बिल्ली के पीछे कोई बड़ा जानवर हो। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक। खैर, ये अंधविश्वास का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।